गुजरात विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। माहौल एकदम टाइट है। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने जहां मोदी से लेकर शाह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो आपकी तरफ से मोर्चा केजरीवाल से लेकर राघव चड्ढा संभाले हुए हैं। जबकि कांग्रेस में इस बार वो उत्साह नहीं दिख रहा है जो पिछली बार दिखा था। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो 27 सालों की बीजेपी के राज को उखाड़ फेंकेगी, जबकि बीजेपी का साफ कहना है कि सत्ता में वापसी एक बार फिर बीजेपी की ही होने जा रही है। वहीं चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया है। ऐसे में अब बात सीएम फेस को लेकर है कि किस पार्टी का सीएम फेस कौन है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि इसुदान गढ़वी सीएम उम्मीदवार होंगे। वहीं अब बीजेपी ने भी बड़ा ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि अगर पार्टी गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करती है तो भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शाह के बयान से ये साफ हो गया कि पटेल बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। पटेल घाट लोडिया निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक बने थे। पार्टी ने उन्हें इस बार भी इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी और शाह के गृह राज्य में लगातार 7वीं बार सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपने सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन गुजरात की नंबर दो पार्टी कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। कांग्रेस गुजरात चुनाव को सीरियस नहीं ले रही है। उम्मीदवारों के ऐलान में देरी के बाद अब कांग्रेस के सीएम फेस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस ने अब तक ऐलान नहीं किया कि आखिर उसके तरफ से राज्य में सीएम चेहरा कौन होगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस के इस फैसले से यही लग रहा है कि पार्टी के पास सीएम का उम्मीदवार ही नहीं बचा है। दरअसल पिछले चुनाव से लेकर अब तक करीब 20 से अधिक विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। हाल ही में हार्दिक पटेल ने भी बीजेपी का दामन थामा था। ऐसे में कांग्रेस के पास सीएम का फेस ही नहीं बचा है। इसलिए कांग्रेस इस बार के चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी से पिछड़ गई है। अब कांग्रेस के पिछड़ने का फायदा किसको मिलेगा, ये विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ होगा।